स्थानीय माताजी मंदिर परिसर में देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी नवरात्रि और भंडारा समिति का नगरवासियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें समिति अध्यक्ष मुकेश पटेल, उपाध्यक्ष संजय जायसवाल, कोषाध्यक्ष अशोक प्रजापत, सचिव महेश चौहान और संरक्षकों को मनोनीत किया गया। इसके पूर्व मुकेश पटेल और अशोक प्रजापत ने 2022 के नवरात्रि और भंडारा समिति के आयोजन का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। पुराने आयोजन में 5,21,072 रुपए का लाभ हिसाब प्रस्तुत किया गया। लाभ का हिसाब प्रस्तुत करने पर नगरवासियों द्वारा पुनः पूर्व की कमेटी को इस वर्ष की नवरात्रि व भंडारा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पटेल को पुनः अध्यक्ष बनाने पर सभी का आत्मीय आभार व्यक्त किया गया। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जब सभी गांव वाले दर्शन करके घर वापस जाते थे, उस समय तक भी 9 से 10 बजे रात तक भी चंदा मांगने का पूरा प्रयास किया। और पुनः के समय भी हमारे टीम लगी रही। मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज भंडारा समिति का गठन हुआ है और आपको पुनः अध्यक्ष बना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी भंडारा समिति का मुझे दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार जो तन मन धन से मैंने और मेरी टीम ने काम किया था, इस वर्ष भी हम नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और पूरे सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सफल करेंगे। क्या नाम लिखता आप? मुकेश पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।